हर नेकी करना अल्लाह ताला की तौफीक से है। आप लोग जो यहाँ पे आए हैं ना, बहुत से लोग हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन मुझे बहुत से लोग मिलते हैं जो कि कभी इस लेक्चर में नहीं आए, इस हलका में नहीं आए, लेकिन वो रहते हैं आई एट में या बाहर थोड़ा करीब रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, और वो कहते हैं कितने अरसे से आना चाह रहे हैं लेकिन कुछ मसरूफियत निकल आती नहीं आ पाते हैं। लेकिन कुछ लोग पिंडी से भी आते हैं, कुछ लोग बहुत दूर से भी आते हैं। तो हर जो नेकी है ना, वो अल्लाह ताला की तौफीक के साथ ही है। मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना अल्लाह की तौफीक से है। तो हमें अल्लाह से ना नेकियों की तौफीक मांगनी चाहिए। जैसे हमारा घर है ना, हमारे घर में मुख्तलिफ मेहमान आते हैं, और मेहमानों की तकरीबन तीन टाइप्स होती हैं। एक वो मेहमान जो हमारे बड़े करीबी होते हैं दिल के ना, जिनसे वाकई बहुत मोहब्बत करते होते हैं, वो जब घर के बाहर आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, बस उन्हें खींच के लेते हैं कि आए बैठे बैठे हमारे साथ, आए खाना खाएं। फौरन जगह बेगम को बोला या अम्मी को, खाना पकाएं खाना पकाएं, मेरे दोस्त बड़े जिगरी दोस्त आए या करीबी दोस्त आए, इनको मैं खाना खिलाना है। खाना खिलाया, फिर इंसिस्ट किया कि यार लाले बासुन मेरे साथ रह जा रात को, जाना तू नहीं क्यों होटल में जाने, जब जा तेरे भाई घर है यहाँ पे, हमारे साथ रहें, आप लोग यहाँ रहें, और दिल नहीं चाहता कि वो घर से जाए बाहर जाए। एक ही मेहमान है। एक वो है जो कि जिनसे आपको मोहब्बत है, लेकिन उनको आपने ऑफर किया, घर आए खाना खिलाया, बस अब इतनी मोहब्बत थी कि अभी मैंने कहीं जाना है तो इंशाअल्लाह मुलाकात होती है बाद में। और कुछ लोग होते हैं जो कि कैमराज में देखे कि बाहर कौन आया हुआ है, या जाएंगे देखा कि बाहर कौन आया हुआ है तो बोल दिया कि साहब घर पे नहीं है। ठीक है, साहब कह रहे हैं कि साहब घर पे नहीं है, ठीक है। तो ये बोल दिया। अल्लाह ताला की जो मस्जिद है ना, ये भी अल्लाह के घर है, हरम मस्जिद नबी, और यहाँ हमारी जो मस्जिद है ये भी अल्लाह के घर है। ठीक है, अल्लाह ताला के भी मेहमान, हम लोग जो जाते हैं वो अल्लाह के मेहमान हैं। तो कुछ तो मेहमान जो अल्लाह ताला के बड़े महबूब हैं, वो अल्लाह ताला उनको जल्दी बुला लेते हैं, अजान से भी पहले आ जाते हैं, वो अल्लाह ताला उनको तौफीक देते हैं कि वो अजान और इकामत के बीच में दुआएं करें, नफल पढ़ते रहें, और फिर सलाम फेरने की बात भी नहीं जाने देते कि तुम बैठे रहो कुछ देर मेरे घर में, तलावत करते रहो, नमाज के बाद इज़्कार करो, कुछ दुआएं मांग लो, और फिर वो आराम से फ्री होकर फिर वो जाते हैं। ये अल्लाह को बड़े करीबी और महबूब मेहमान हैं, बड़े पसंदीदा लोग हैं अल्लाह ताला के। दूसरे वो लोग होते हैं कि जो आए नमाज के टाइम पे, सलाम फेरा और फौरन से निकल के चले गए। और तीसरे वो लोग होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला तौफीक नहीं देते, और ये अल्लाह ताला खुद ये नहीं कि अल्लाह ताला तौफीक नहीं दे रहे, बल्कि उनके गुनाहों की वजह से, उनके फिस्क और फजूर की वजह से उनको तौफीक ही नहीं मिलती, उनको इजाज़त नहीं मिलती कि वो अल्लाह के घर आए। वो सोचते हैं कि हम नहीं जा रहे, बल्कि बात है कि बुलावे नहीं आ रहा उनको अल्लाह ताला की घर की तरफ, इन्विटेशन नहीं आ रही। आप किसी की शादी पर उठ के तो नहीं जा सकते ना खुद से ही कि मैं आ गया हूँ जी, नहीं, वो आपको इनवाइट करेंगे तो आप जाएंगे। तो मसाजिद में भी ना जो इंसान गुनाहगार है ना, क्योंकि हमने इफेक्ट्स ऑफ सिन में पढ़ा था कि गुनाह जो है ना उनकी चेंज और शैकल्स होती हैं, वो इंसान को जकड़ के रखते हैं। याद रखें कि जब आपकी मसाजिद में नमाजें मिस हो रही हैं ना, इसका मतलब ये है कि कुछ आपके गुनाह हैं जिन्होंने आपको रोक के रखा हुआ है, कुछ आपसे गलती हो रही है, या तो आपने माँ की नाफरमानी की है, कोई ऐसा आपने ऐसा जेस्चर शो कर दिया कि जिससे माँ का दिल टूटा है, या बाप की नाफरमानी की है, या कुछ हराम खाया है, या कुछ झूठ बोला है, या कोई ऐसा अमल किया है जिससे रब नाराज़ है, फौरन से तौबा इस्तग़फ़ार करें, या अल्लाह मुझे तौफीक दे दें, या अल्लाह मुझे तौफीक दे। और अल्लाह ताला ज़ालिम नहीं है अपने बंदों पर, अल्लाह तो चाहते हैं युरिदुल्लाहु यतूब अलैकुम, मैं तो चाहता हूँ मैं माफ़ कर दूँ, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम आमनतुम, मैं क्या करूँगा तुम्हें अजाब देकर, अल्लाह खुद कह रहे कुरान में, मैं तुम्हें क्या करूँगा अजाब देकर अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ और ईमान वाले बन जाओ। अताइब इब्न अज़म भी कम अल्लाज़म वाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे जैसे उसने अभी गुनाह किया ही नहीं। तो अल्लाह ताला तो माफ़ करना चाहते हैं इंसान को, लेकिन इंसान के अपने गुनाह हैं। तो हर जो 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 नेकी है ना, वो अल्लाह की खास तौफीक से है।